बात करते हैं बिहार की, जहां हाल ही में सत्ता परिवर्तन हुआ और इस सियासी परिवर्तन से जुड़ी हर बड़ी खबर सबसे पहले आप एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं। बिहार के सीएम और डिप्टी सीएम ने शपथ तो ले ली, लेकिन मंत्रिमंडल पर माथापच्ची अब भी बरकरार है। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर कि मंत्रिमंडल से विस्तार को लेकर, मंत्रिमंडल के चेहरे को लेकर अब भी घमासान चल रहा है। सूत्रों के मुताबिक आरजेडी की गृह मंत्रालय की मांग पर सहमति नहीं बन पाई है और गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी सीएम नीतीश कुमार अपने ही पास रखेंगे, जबकि स्पीकर का पद आरजेडी के कोटे में जा सकता है। यह इस वक्त की बड़ी खबर। आपको बता दें कि गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने ही पास रख सकते हैं, जबकि स्पीकर का पद आरजेडी के कोटे में जा सकता है। आरजेडी के विधायक अवध बिहारी चौधरी या आलोक मेहता स्पीकर बन सकते हैं बिहार विधानसभा में, और कांग्रेस के कोटे से 3 मंत्री बनेंगे, ये भी खबर आ रही है। हालांकि अभी कांग्रेस के 2 ही मंत्री बनाए जाएंगे, अगले मंत्रिमंडल विस्तार में कांग्रेस के खाते में एक और मंत्री पद जाएगा। तो वहीं बिहार में एक समय मुख्यमंत्री रह चुके जितेंद्र राम मांझी की पार्टी, हमको 1 मंत्री पद मिल सकता है, ये भी खबर आ रही है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।